राठौर प्रखंड अंतर्गत गौरीपुर पंचायत के विभिन्न गांव में संकट घड़ी कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी में भी पंचायत वासियों को अभी तक मास्क और साबुन मुखिया राजकुमार मंडल एवं पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण आज तक इन सब सामानों का वितरण नहीं किया गया। पंचायत वासी दूसरे पंचायत को देखकर पंचायत वासियों ने धरती और आकाश से तुलना की। ग्रामीणों ने बताया कि संकट घड़ी में भी प्राणपुर प्रखंड के सभी पंचायत में ना तो लोगों को मास्क साबुन का वितरण किया गया, इससे पंचायत वासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। गौरीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नंदलाल मंडल ने बताया कि संकट की घड़ी में मुखिया के द्वारा ना तो मास्क साबुन वितरित किए गए। उन्होंने पंचायत के प्रतिनिधि पंचायत सचिव एवं अधिकारी मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पंचायत के मुखिया द्वारा योजना को लेकर मनरेगा सात निश्चय योजना नल जल योजना इत्यादि कई चीजों पर अनियमितताओं की शिकायत का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीण सदानंद यादव संतोष यादव अविनाश यादव सुफल सोरेन नंदलाल मंडल रंजीत मंडल इत्यादि लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान से लेकर अभी तक हम लोगों के गांव में मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया। यदि वितरण नहीं किया गया तो हम लोग प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस संबंध में बीडीओ सरोज कुमार से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मुखिया से बात करते हैं तब आपको बताते हैं आखिर जिम्मेदार कौन है। प्राणपुर प्रखंड के पदाधिकारी की पुरानी आदत बनी हुई है सवालों से भागने की। हम लोग जल्द से जल्द मुखिया को प्रवेश मास्क और संचार दिए और हम लोग को वार्ड में पहुंचा दे और वार्ड में पहुंचाने के बाद जो हम लोग का मेंबर है वार्ड 8 नंबर का मेंबर जो नारायण शाह है उसको हम लोग को ला के दे देगा और हम लोग नारायण शाह को हम लोग खबर कर देगा और नारायण शाह हम लोग को खबर करने के बाद मास्क और सेंटर दे देगा हम लोग को। अब तक नहीं मिला है क्या? अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। लॉकडाउन तो बहुत पहले से हुआ है जी। अभी से नहीं, 2 महीना करीबन होने वाला है जी। तो 2 महीना के करीबन होने वाले के बाद अभी तक तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है क्योंकि अभी तक तो डॉक्टर भी नहीं आता है उतना और मास्क तो नहीं मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम है देव, देव मरांडी। कौन पंचायत हुआ आपका? गौरीपुर पंचायत और थाना प्राणपुर जिला। मिला आप लोगों को? नहीं मिला। क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी से यही पता चला कि अभी वितरण करेंगे, कहीं कर नहीं रहा है। जबकि लॉकडाउन का 5वां चरण समाप्त हो गया है लेकिन हर प्रखंड के हर पंचायत में वितरण हो चुका है लेकिन आपके पंचायत में नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि वितरण हो, मिले सब जनता को। मुखिया जी के द्वारा और वार्ड सचिव के द्वारा अब तक वितरण नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल मंडल। आप लोगों को नहीं? क्या बोलते हैं मुखिया? राजकुमार मंडल मुखिया बोला कि हम अपने तरफ से वितरण करेंगे जी, 5 किलो चावल और मास्क। तो हम उनको बोले कि मास्क कब वितरण कीजिएगा, ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब वितरण कीजिएगा। तो वो बोला कि नहीं, ये हम अपने तरफ से वितरण करेंगे। यही अभी तक वितरण नहीं हुआ है। अभी तक वितरण नहीं हुआ है सर। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हाँ, क्या मांग हम लोग को? अब 3 महीना बीतने चला, आज तक कुछ ना मांस ना कुछ, और बोला 5 किलो चावल देंगे, आज तक कुछ नहीं मिला। मास्क साबुन नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, सैनिटाइजर कुछ नहीं मिला। अब कहाँ उसका गोदाम है, कहाँ भर के रखा है, नहीं रखा है। अब बीडीओ और सीओ क्या कर रहा है प्रभारी जाने। मुखिया जी को बोले है ना? हाँ, मुखिया जी को बोले है ना? मुखिया जी को है, हकीकत बात बोले हैं, मुखिया जी खुद बोले। और इसके बाद मुखिया जी बोलते हैं जहाँ जाना है जाइएगा, नहीं जाए क्या कीजिएगा। तो हम लोग तो छोटा आदमी है, कहाँ जाएंगे? कलेक्टर का हम लोग का यहाँ सीट खुला रहता है? नहीं रहता है। कौन सी? नहीं रहता है। हम लोग जाएंगे भी तो वीडियो कलेक्टर का गेट नहीं खुलेगा जल्दी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश मंडल, ग्राम प्रीतनगर, पोस्ट गौरीपुर, थाना प्राणपुर, जिला कटिहार।